पूरे घटनाक्रम को। भाई ये तो क्या पता है, तो पुलिस जांच का वो है जी, और सब लोग पता जो उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं उनका मकसद क्या है जी। बेचारे खाते पीते घर के जमींदार है, किस धंधे में बढ़ गए, तो सोचने वाली चीजें हैं। और नए नए बच्चे जो उभरते हुए बच्चे जिस तरह से पंजाब में हुए हैं, 2-3 मर्डर ये हुए हैं जी जी। पहले ही पंजाब में लोग यहाँ पे है नहीं जी। कुछ नौजवान नशे के उसमें हैं और कुछ ये घटनाएं देख के यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे तो पंजाब को बड़ा नुकसान होगा। इस पे सरकारों को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। तो अभी परिजनों से मिल के आए हैं? बिल्कुल मिलकर था भाई, परिजनों के लिए तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं, ना हमारे पास में ना उनके हैं। एक सांत्वना देते हैं भाई सब लोग साथ में, लेकिन जिस पे घटना घटती है और हालात ये हैं कि अकेला बच्चा है वो ही चला गया, तो कहने के लिए तो किसी पर कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर लोग आ सकते हैं अपनी वो कर सकते हैं। लेकिन भाई इनके पिताजी मजबूत हैं, मिलिट्री में रहे हैं और मजबूत हैं, जो दुख हैं वो बाहर नहीं निकाल रहे, और उन्हें ये है कि भाई संघर्ष करूँगा और मैं जीऊँगा। और जो उन्होंने बताया उसका तो बड़ा प्लान यहाँ पर था कि बड़ा हॉस्पिटल में कैंसर हॉस्पिटल बनाऊँगा यहाँ पर, और बाहर से जो शो करूँगा उसके लिए ही मानसर इसके आसपास एक हॉस्पिटल कई करोड़ रुपया लगा कर बनाऊँगा। तो क्षेत्र को नुकसान होता है, इस तरह के बच्चे जाते हैं तो एक डर और भय का माहौल उससे पर्याप्त होता है, और लोग वैसे ही नहीं पढ़ रहे, खास करके पंजाब के लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इन घटनाओं से ज़्यादा पंजाब को नुकसान। प्रधान जी, गैंगस्टर जेल में बैठ करके सर्किट चलाते हैं, सरकार काबू नहीं कर पाती, ऐसा क्यों? भाई क्या पता क्यों नहीं कर पाती, राजनीति सह होती है इनको? राजनीति वाले तो क्या इनको सह करते होंगे, ये तो अपने ही सिस्टम रहते हैं इनके कुछ। अमृतसर खालसा कॉलेज के भी गोली चली आ, एक बस लुटी गई आ, भी जो पंजाब के हालात दिनों दिन खराब। देखो पंजाब के हालात, ये कई जो घटनाएं हुई इनसे नुकसान तो होगा।